गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न द हाइजीन लेसन टू का हाइजीन। हम लोग वैक्सीनेशन तक बैक क्लास में पढ़े हुए थे। तो हाइजीन में बी डिफाइंड एज गुड हैबिट्स दैट इंश्योर क्लीनिनेस एंड गुड हेल्थ। हाइजीन क्या है? तो हमारी अच्छी आदतें, हमारी जो कुछ अच्छी आदतें हैं जो हमें क्या करता है, साफ सुथरा रखता है और हमारे हेल्थ को सही, अच्छा हेल्थ रहता है, जिसके कारण उसको हम लोग हाइजीन कहते हैं। प्रॉपर हाइजीन हेल्प अस इन प्रिवेंटिंग डिजीज। प्रॉपर हाइजीन जो होता है वो क्या करता है, हमें डिजीज से बचाता है। फॉलोइंग आर सम स्टेप्स टू मेंटेन हाइजीन। यहाँ जो है कुछ हाइजीन के बारे में जो हमारे स्टेप्स हैं, कैसे रहना चाहिए हम लोगों को, कैसे हम लोग स्वस्थ रहेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला है, वी शुड वॉश आवर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट। कहता है कि हम लोग जब कभी भी हमें जो है हमारा हाथ जो है हमें हाथ साफ करके रखना चाहिए। जब हम साबुन से हमें अपने हाथ को धोना चाहिए खाने से पहले भी, और अगर हम लोग वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो उसके बाद भी। वी शुड बाथ डेली टू रिमूव डस्ट डेड सेल्स एंड जर्म्स फ्रॉम द बॉडी। हम लोगों को क्या करना चाहिए, रोज जो है अच्छे से नहाना चाहिए ताकि हमारे बॉडी का जो है डस्ट जो है, डेड सेल्स जो है, जर्म्स जो है, ये हट जाए। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली इन मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू स्लीप इन द नाइट। और हमें मॉर्निंग में और रात में जब हम लोग सोने जाते हैं, दोनों समय में जो है हम लोगों को ब्रश करना चाहिए। यहाँ देखिए, एडवर्ड जेनर अ ब्रिटिश डॉक्टर इन्वेंटेड ए वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। बिकॉज ऑफ दिस सक्सेसफुल वैक्सीन स्मॉल पॉक्स हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। जो देखिए यहाँ वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो कौन जो है इन्वेंट किए हैं, तो एडवर्ड जेनर। फोर्थ में है, वी शुड कट आवर नेल्स रेगुलरली। हम लोगों को अपना नेल्स जो है वो रेगुलर काटना चाहिए। किचन फ्लोर टॉयलेट एंड बाथरूम शुड बी क्लीन्ड विथ डिसइंफेक्टेंट रेगुलरली। हमें अपना फ्लोर जो है, घर का फ्लोर जो है, चाहे वो किचन हो, टॉयलेट हो, बाथरूम हो, इसको जो है डिसइंफेक्टेंट से हमेशा साफ करना चाहिए। वी शुड कीप द फूड प्रॉपरली कवर्ड। हमें अपने खाने को जो है प्रॉपर वे में कवर करके रखना चाहिए, अच्छे से ढक के रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। हमें अपने आस पड़ोस को जो है साफ करके रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन। हम लोगों को जो है अपने घर का जो कचरा है वो ओपन में नहीं फेंकना चाहिए। डस्टबिन शुड बी कवर्ड। डस्टबिन जो हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि घर का कूड़ा फेंकते हैं, वो कवर्ड होना चाहिए, ढक्कन लगा हुआ होना चाहिए उसमें। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट इनसाइड ओल्ड टायर्स ड्रम्स बकेट्स इटीसी। और हमें जो है पानी को टायर्स में, पुरानी टायर्स है या ड्रम्स हैं या बकेट्स हैं, इन सभी में जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मस्कीटो ब्रीड इन स्टैग्नेंट वाटर। क्योंकि इन सभी पानी में क्या होगा, मच्छर जो है वो पैदा होगा। देयर शुड बी वायर स्क्रीन्स और नेट ऑन द डोर एंड विंडोज ऑफ द हाउसेज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फ्लाइज मॉस्कीटोज इटीसी। और घर के जो दरवाजे हैं या जो खिड़की हैं, उन सभी पर क्या होना चाहिए, नेट लगा हुआ होना चाहिए, ताकि जो है इससे जो है मच्छर या मक्खी जो है हमारे घर के अंदर इंटर नहीं करे। इसके बाद है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज इज एसेंशियल इन टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। हमें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। एक्सरसाइज इम्प्रूव आवर ब्लड सर्कुलेशन डाइजेशन एंड टोन अप आवर मसल्स। एक्सरसाइज क्या करता है, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है,
डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर वे में काम करने में मदद करता है और हमारे स्किन का टोन अप करता है, स्किन का भी वो मसाज करता है। व्हेन वी एक्सरसाइज मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू द ब्रेन, और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है ऑक्सीजन जाता है। प्लेइंग आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट फुटबॉल एंड हॉकी ऑल्सो कीप अस फिट, हमें जो है खेलना भी चाहिए आउटडोर गेम्स जिसमें कि हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होता है, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तो इन सभी में क्या होता है हमारा मसल्स जो है ये दौड़ने भागने का खेल होता है जिसके कारण हमारा मसल्स जो है वो अच्छी तरह से काम करता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन एक तरह का ये एक्सरसाइज है जो जिसके कारण क्या होता है हम लोग फिट रहते हैं। योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रनिंग आर सम अदर गुड एक्सरसाइज, इन सभी चीज़ों से योगा से, स्विमिंग से, साइकिलिंग से, रनिंग से, वॉकिंग से, इन सभी चीज़ों से क्या है ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। इसके बाद है एडिक्वेट रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स आवर मसल्स एंड ऑल्सो गिव रेस्ट टू आवर बॉडी। अब इसके साथ साथ हमें सोना भी और हमारे हमको रेस्ट करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन देता है जो अच्छी तरह से हमारी बॉडी जो है रेस्ट रहने पर उसके जितने भी हमारे बॉडी में हम लोग जो दिन भर भागम भाग का काम जो करते हैं उससे हमारा ब्रेन जो है हमारा मसल्स को वो रिलैक्स मिलता है। दिस हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और ये रिलैक्सेशन जो है, स्लीपिंग जो है, ये रेस्ट जो है हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने में मदद करता है। आफ्टर हैविंग एडिक्वेट रेस्ट कहता है जब हम लोग सही अमाउंट में जब हम लोग आराम कर लें वी फील फ्रेश एंड गेट रेडी टू वर्क अगेन। जब देखते हो जब हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो क्या होता है हम लोग आराम से आके सो जाते हैं या रेस्ट करते हैं, उसके बाद जब फिर हम लोग उठते हैं तो क्या होता है हम लोग फिर वैसे ही फ्रेश हो जाते हैं और फिर से हम लोग अपने काम आराम से कर सकते हैं। तो स्टे हेल्दी कहता है स्वस्थ रहने के लिए एन एडल्ट नीड्स 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन ए डे, कहता है एक दिन में हम लोगों को 6 से 8 घंटे तक सोना चाहिए। इन एडिक्वेट स्लीप कैन मेक अस सिक, जब कहता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा अगर सोएंगे तो क्या होगा हम लोग बीमार पड़ेंगे। स्टेइंग अप लेट टू वॉच टेलीविजन और अदरवाइज इज ए बैड हैबिट, और कहता है कि हम लोगों को लेट तक क्या करते हैं हम लोग बहुत सारे लोग लेट नाइट तक जो है हम लोग टीवी देखते रहते हैं या लेट नाइट तक जगे रहते हैं, ये भी क्या है एक तरह का बैड हैबिट्स है। इसके बाद है पोस्चर, पोस्चर इज द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी व्हेन वी सिट स्टैंड और मूव, पोस्चर क्या है तो हमारे बॉडी का पोजिशन जब हम लोग बैठते हैं या खड़े होते हैं या घूमते हैं तो उस समय की जो पोजीशन होती है हमारी बॉडी को उसी को हम लोग पोस्चर कहते हैं। वाइल स्टैंडिंग और सीटिंग वी मस्ट कीप आवर बैक स्ट्रेट, कहता है जब हम लोग बैठते हैं या खड़े होते हैं तो हमें अपने बैक पोर्शन को जो है बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए। लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग पुट्स एक्स्ट्रा पोस्चर ऑन आवर बैक एंड आई, कहता है लीनिंग फॉरवर्ड वाइल रीडिंग, जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं क्या करना चाहिए हम लोगों को झुक के अच्छे से अपने आँख को जो है बैक को और आँख को जो है सही पोस्चर में रखना चाहिए। करेक्ट पोस्चर गिव अस, हम लोग एकदम स्ट्रेट रहेंगे तब पढ़ना चाहेंगे तो क्या होगा उसकी वजह से भी हमारे आँख में प्रॉब्लम होगी। तो करेक्ट पोस्चर गिव अस ए ग्रेसफुल अपीयरेंस वाइल इन करेक्ट पोस्चर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन मेक अस सिक, कहता है जब हम लोग बैठे या खड़े हुए बिल्कुल स्ट्रेट पर है ना, या हम लोग पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल बुक को एकदम आँख के सामने रखे नहीं पढ़ना चाहिए, सीधे बैक को अपना स्ट्रेट रखेंगे और आँख को जो है प्रॉपर वे में जो है बुक के पास रखेंगे तो जिसके कारण क्या होगा हमारी पोस्चर सही रहेगी। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो एक लंबे समय तक ऐसा यूज अपने बॉडी को इनकरेक्ट पोस्चर में रखने से हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो ये चैप्टर आपका जो है आज ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट डे जो है हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। यहाँ इसमें जो
जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो। थैंक यू।